नमस्कार, इवन न्यूज देख रहे हैं आप सभी और आपके साथ हूं मैं जयति मिश्रा। बुलेटिन की शुरुआत से पहले एक नजर इस वक्त की हेडलाइंस पर। आत्मनिर्भर राहत पैकेज पर केंद्रीय वित्त मंत्री का आखिरी पीसी में ऐलान। मनरेगा के लिए अतिरिक्त 40,000 करोड़ का प्रावधान। लैंड, लेबर, लिक्विडिटी और लॉ पर रहा फोकस। वर्ल्ड टेलीकम्युनिकेशन डे पर सीएम अशोक गहलोत का ट्वीट। कहा, देश के हित में पूर्व पीएम राजीव गांधी का विजन। आईटी क्रांति के जरिए दुनिया आई एक मंच पर, कार्य हुए आसान। दुनिया भर में कोरोना का कोहराम जारी। 47 लाख से ज्यादा लोग हुए संक्रमित तो 3 लाख से ज्यादा मरीजों ने गंवाई जान। वहीं 18,11,000 से ज्यादा मरीज हुए स्वस्थ। भारत में भी बड़ा कोरोना का ग्राफ। कोरोना मरीजों की संख्या 90,000 के करीब तो अब तक 2,872 लोगों की इस वायरस के चलते हुई मौत। 34,000 से ज्यादा लोग हुए स्वस्थ। राजस्थान में नहीं थम रहा कोरोना का कहर। कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा हुआ 5,000 के पार तो अब तक 128 लोगों ने प्रदेश में गंवाई जान। सेंट्रल जेल में अब तक आंकड़ा 140 के पार।